हेलो जी, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप एज एन फ्रेशर एक जावा डेवलपर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आपकी सर्च जो है खत्म हो जाएगी, बिकॉज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एज एन एक्सपीरियंस जावा डेवलपर मैं वो सारी सीक्रेट टिप्स एंड आपको वो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको अपनी ड्रीम जॉब तक लैंड करवाएंगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट कर लेना, लेकिन वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ड्रीम जॉब को लेने के लिए एज एन जावा डेवलपर। ओके, अब देखो, अगर जब भी एक जॉब की बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो रिज्यूमे। रिज्यूमे इज जस्ट लाइक आपकी ना परछाई दिखाता है किसी भी चीज की, कि आपको कौन सी चीजें आती हैं, आप कौन सी चीज में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है तो आप क्या क्या चीजें हाईलाइट करोगे, एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप मेरा रिज्यूमे देख सकते हो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे को कुछ टिप्स देनी है तो आप एक रिज्यूमे, अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाओगे। देखो, हमेशा रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का रखो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट ज्यादा है, आपने फ्रीलांसिंग कर रखी है, तो मैक्स दो पेज का, बट फ्रेशर हो तो इसके हिसाब से आपका रिज्यूमे एक पेज का ही होना चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है, कि इससे ज्यादा नहीं होगा। अब दूसरी, हमेशा अपनी स्किल्स को, अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज करो, ठीक है। जैसे डॉट लगा के उसके आगे लिख दिया कुछ, जैसे आप मेरे रिज्यूमे में देखोगे तो मैंने स्किल्स जो है वो भी बुलेट पॉइंट में हाईलाइट कर रखी है। तो जब भी कोई आपके रिज्यूमे को पहली बार खोलेगा वो वन पेज का देखेगा और जो मेरी स्किल्स होंगी वो हाईलाइटेड होंगी बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब हमेशा मेरे जॉब में, यानी कि मेरे रिज्यूमे में जॉब से रिलेटेड ही कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे समरी ऑफ अ जावा डेवलपर, एक्सपीरियंस जावा डेवलपर। तो जब भी एक बंदा सर्च करेगा नौकरी किसी पोर्टल पे तो आपका रिज्यूमे उसके हिसाब से हाईलाइट होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब देखो, ये सारी चीजों से मिला के आपका एक परफेक्ट रिज्यूमे बनेगा। तो हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, आपका पोर्टफोलियो। देखो, हो सकता है कि आपके पास एक वेबसाइट की स्किल्स हो तो आप एक वेबसाइट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो कि सारी चीजें मैंने क्या करी हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रख सकते हो। नहीं तो आप सिंपल जाओ गूगल पे और बोलो कि सैंपल पोर्टफोलियो मुझे दिखा दो एज एन जावा फ्रेशर डेवलपर, ओके। वो आपको कुछ सैंपल देगा, वैसे आपने पुट कर देना, ठीक है। इमेजेस सेक्शन में जाना और आपने सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग रख देनी। लेकिन अगर कुछ चीजें मैं बोलूं कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो हमेशा वो चीजें शोकेश करो उसमें जो आपने बहुत ही थॉरली कर रखी है, ठीक है। उन प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक सेकंड में मुझे लाइन ऑफ कोड भी बता दो, ठीक है। अपनी टेक्नोलॉजीज जो आपने उस प्रोजेक्ट में यूज की है, जो आपने अभी तक काम किया है, जो आप पोर्टफोलियो में रखने वाले हो, जो प्रोजेक्ट में रखा है, वो टेक्नोलॉजीज मेंशन करो। हो सकता है कुछ नया टेक स्टैक हो वो आप मेंशन करो। जैसे अगर मैं बात करूँ नए टेक स्टैक की, तो काफ्का है जिसपे मैं काम करता हूँ, तो जावा डेवलपर के लिए हमेशा पूछा जाता है, तो आप उसे अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, राइट, एक मैसेजिंग क्यू है। अब दूसरी चीज कि हमेशा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दो एक भी प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं है कि आप सीधे लिखते जा रहे हो, नहीं, छोटा सा दो, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होगा वो आपसे पूछ ही लेगा। और हमेशा एक ऐसे वे में रखो जो ऑर्गेनाइज्ड लगे और देखने में भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब जहां तक बात हुई मेरे रिज्यूमे की, मेरे पोर्टफोलियो की, अब दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी आती है कि अगर मैं जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो रिज्यूमे और पोर्टफोलियो तो चाहिए होता है, ठीक है। तीसरी चीज की तरफ देख लेता हूँ, नॉट दूसरी। देखो, एक प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो रिज्यूमे था, वो आपको पोर्टफोलियो था, या आपकी खुद की एक परछाई दर्शाने के लिए था। लेकिन आप इसको किसको दर्शाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जिसके पास जाऊंगा मैं कहूंगा देखो मैं जावा डेवलपर के लिए जॉब देख रहा हूँ, नहीं। हमेशा उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है जो आपके रिज्यूमे से मैच खा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो देख रहे हैं कुछ और सपोर्ट इंजीनियर आपको चाहिए डेवलपर, आप वहां भी अप्लाई कर रहे हो, वो देख रहे हैं किसी और टेक स्टैक पे। जावा में भी बहुत सारी चीजें होती है, वो एज एन स्पेसिफिक देखते हैं कि एक कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम पे देख रहा है, आपने किसी और सिस्टम पे काम कर रखा है आप फिर भी अप्लाई कर रहे हो। तो बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है कि अगर मैं पहली बार में अप्लाई करूं और मेरे रिज्यूमे में वो स्किल्स मेंशन है तो मैं आपको 200% चांस देता हूँ, 100 नहीं, कि आपको डेफिनेटली कॉल आएगी। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ये मेरे लिए काम करता है। मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, आप देखो कि वहां पे वो देख रहे हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए जिसने स्प्रिंग बूट पे काम कर रखा है, ड्रूल्स पे काम कर रखा है, ग्राफक्यूएल पे काम कर रखा है। वो आपके रिज्यूमे में मेंशन होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो बंदा पहली बार खोल के देखेगा उसी बंदे की रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा। तो इससे क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लो, ठीक है, अपना नेटवर्क बना लो कि जो कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ वहां से मैं थोड़े बहुत बंदों से अगर रेफर ले पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। कनेक्ट कर लो, थोड़ा सा पूछ लो कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, जाके देख लो। तो मैं कहने का मतलब यह है किसी पे अप्लाई करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लो, ठीक है।
अब देखो, अब एप्लीकेशन को फॉलो करना तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एक एप्लीकेशन को भेजने से पहले या अप्लाई करने से पहले ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँ, लिख के रख लो क्योंकि उसका फॉलो अप हम लेंगे। अब दूसरी हमारी फाइनल चीज़ की बारी आती है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ी ट्रिकी होती है, इसमें ना ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है कि जावा में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया होगा वो सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है, कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया होगा उससे पूछेगा बंदा। तो हम क्या करते हैं एज एन फ्रेशर, हम सब कुछ पुट कर देते हैं कि मैं इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ऐसा नहीं करना है, जिस चीज़ में आप श्योर हो वो अपने रिज्यूमे में रखना है, जिस प्रोजेक्ट में आप श्योर हो उस वो रिज्यूमे में रखना है। एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया मत रखो, चलेगा दोस्त। अगर आपने सिर्फ हैकर रैंक में पार्टिसिपेट किया है वही रखो, ठीक है, आपने लीड कोड में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन 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 एक कैच है, अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया दैट्स गुड, ठीक है। बट एक ऐसा बंदा जिसने लीड कोड भी कर रखा है, उसने हैकर रैंक भी कर रखा है और उसने साथ के साथ आपकी प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, तो वो आपको पीछे छोड़ देगा, ये डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है जब मैं फ्रेशर में था कि हम एक रूम में 3 लोग बैठे हुए थे। तो एज इन मेरे केस में मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी जो शोकेस थी, ठीक है, और 2 बंदों ने कोड कर रखे थे, मतलब सीपी करते थे, मैं भी सीपी करता था, तो हमारे इक्वल पार्टिसिपेट रैंक थी क्योंकि वो मेरे ही ग्रुप के थे, तो चांसेस मुझे मिले थे आगे जाने के लिए। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है तो दोनों चीज़ों को साथ के साथ लेके चलना, अपना सीपी भी, अपना प्रोजेक्ट भी, यानी कि डीएसए डेवलपमेंट भी, इससे आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हो सकता है आपसे कभी प्रोजेक्ट पूछे या ना पूछे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में कि हमारा रिज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, पोर्टफोलियो, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, सर्चिंग, यानी कि एक वेल प्लान्ड मैनर में हमें वो चीज़ें करनी है, और चौथी इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि हाँ मुझे एक जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुझे जावा डेवलपर की जॉब कैसे चाहिए। ठीक है, देखो अगर ये चीज़ आपने अप्लाई की तो मैं 200% ऐसा श्योर कर सकता हूँ आपको कि आपकी जॉब लग जाएगी, देर से लगेगी बट लग जाएगी। ठीक है, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।